ये है अमृतसर बठिंडा जामनगर एक्सप्रेसवे। 1256 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे अपने देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे में से एक होगा। इसके साथ ही ये काफ़ी हाईटेक और वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। पाकिस्तान बॉर्डर के लगभग पैरेलल ही बन रहा ये एक्सप्रेसवे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात के बीच बेहतर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस एक्सप्रेसवे का काम अब फाइनल स्टेज में है और अगले 2-3 महीने में इसका इनॉग्रेशन भी हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। यहाँ देखिए, रेड लाइन से राजस्थान के सेक्शन में इस एक्सप्रेसवे का अलाइनमेंट दिखाया गया है और इसके लेफ्ट साइड की लाइन है इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, यानी कि पाकिस्तान बॉर्डर के नज़दीक ही लगभग बॉर्डर के पैरेलल ही ये एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। तो स्ट्रेटजिकली भी ये एक्सप्रेसवे काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इस एक्सप्रेसवे का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और जम्मू एंड कश्मीर जैसे नॉर्थ इंडिया के लैंडलॉक्ड स्टेट्स में प्रोडक्शन हो रहे प्रोडक्ट और उसके रॉ मटेरियल को इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट के लिए गुजरात के पोर्ट तक डायरेक्ट और बेहतर कनेक्टिविटी मिल जाएगी। यानी कि अभी अमृतसर से जामनगर के बीच ट्रैवल करने में 23 से 24 घंटे का समय लगता है, जो कि इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद आधा हो जाएगा। यानी कि मात्र 12 घंटे में ही अमृतसर से जामनगर या फिर जामनगर से अमृतसर के बीच ट्रैवल किया जा सकेगा। इसके साथ ही इसके बीच में आने वाले शहरों में भी ट्रैवल करने में काफ़ी समय की बचत होगी। तो चलिए अब देखते हैं इस एक्सप्रेसवे का रूट और इसका कंस्ट्रक्शन अपडेट। तो इस एक्सप्रेसवे की टोटल लेंथ है 1256 किलोमीटर, जिसमें से 915 किलोमीटर का सेक्शन ग्रीनफील्ड है और बाकी का सेक्शन ब्राउनफील्ड है। तो ये एक्सप्रेसवे स्टार्ट होगा पंजाब के कपूरथला डिस्ट्रिक्ट में टिबा विलेज के पास दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे से। यहाँ पर देखिए, पिंक लाइन से दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे को दिखाया गया है, जबकि ब्लू लाइन से अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे को दिखाया गया है। यानी कि इस पॉइंट पर अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे और दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे एक दूसरे से कनेक्ट होंगे। इसके आगे यानी कि इस पॉइंट से बठिंडा तक 155 किलोमीटर का सेक्शन ग्रीनफील्ड है, जिसे 3 पैकेज में डिवाइड करके इसका कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए तीनों पैकेज की डिटेल। फिर बठिंडा से चौटाला तक NH-54 को ही अपग्रेड करके 4 लेन का बनाया जा रहा है, यानी कि यह सेक्शन ब्राउनफील्ड होगा। चौटाला से रसीसर तक 253 किलोमीटर का 6 लेन का ग्रीनफील्ड कॉरिडोर बनाया जा रहा है, इसमें टोटल 9 पैकेज है। रसीसर से देवगढ़ के सेक्शन में भी 176 किलोमीटर का 6 लेन का ग्रीनफील्ड कॉरिडोर बनाया जा रहा है और इस सेक्शन में टोटल 6 पैकेज हैं। देवगढ़ से संचोर तक 208 किलोमीटर का सेक्शन है, जिसमें ग्रीनफील्ड डेवलपमेंट किया जा रहा है और इसमें टोटल 8 पैकेज हैं। फिर संचोर से सांतलपुर तक 125 किलोमीटर का सेक्शन है, इसमें भी ग्रीनफील्ड डेवलपमेंट किया जा रहा है और इसमें टोटल 4 पैकेज हैं। सांतलपुर से मालिया तक 124 किलोमीटर के सेक्शन में NH-27 को अपग्रेड किया जा रहा है, यानी कि ये सेक्शन ब्राउनफील्ड होगा। ये हाईवे ऑलरेडी 4 लेन का है, तो इसमें बस माइनर चेंजिंग किया जा रहा है। और फिर मालिया से जामनगर तक 131 किलोमीटर के सेक्शन में भी एग्जिस्टिंग NH-151 को ही माइनर चेंजिंग करके अपग्रेड किया जा रहा है। तो 1256 किलोमीटर के इस पूरे कॉरिडोर में 915 किलोमीटर का सेक्शन ग्रीनफील्ड है। ग्रीनफील्ड सेक्शन 6 लेन का बनाया जा रहा है और इसकी ROW है 70 मीटर, यानी कि भविष्य में ज़रूरत पड़ने पर इसे 10 लेन तक बढ़ाया जा सकता है। तो पूरे एक्सप्रेसवे यानी कि ब्राउनफील्ड और ग्रीनफील्ड सभी को मिलाकर और जमीन अधिग्रहण का खर्चा भी जोड़ दें तो इस एक्सप्रेसवे का टोटल एस्टिमेटेड बजट है 80,000 करोड़ रुपये। तो चलिए अब देखते हैं कि इस एक्सप्रेसवे में अभी तक कितना काम हुआ है। तो इस एक्सप्रेसवे के ग्रीनफील्ड सेक्शन में टोटल 30 पैकेज हैं। सभी सेक्शन के सभी पैकेज में कंस्ट्रक्शन वर्क अभी प्रोग्रेस में है। कुछ पैकेज तो कंप्लीट हो गया है और कुछ पैकेज का काम अभी फाइनल स्टेज में है। इस एक्सप्रेसवे का सबसे बड़ा सेक्शन है राजस्थान में और राजस्थान में काम भी काफ़ी ज़्यादा कंप्लीट हो गया है। और दूसरी बात कि इसी साल के अंत में राजस्थान में इलेक्शन होने वाला है, तो इलेक्शन से पहले ही यानी कि 7 अक्टूबर में राजस्थान के सेक्शन में इस एक्सप्रेसवे का इनॉग्रेशन हो जाएगा। ये एक्सप्रेसवे अपने देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे में से एक तो होगा ही, इसके साथ ही ये काफ़ी हाईटेक और इस पर सभी मॉडर्न फैसिलिटी भी मिलेगी, जैसे मॉनिटरिंग के लिए CCTV कैमरा, ATMC
और इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन जैसी फैसिलिटी मिलेगी इस एक्सप्रेसवे पर। इसके साथ ही 32 जगहों पर वे साइड एमिनिटीज बनाया जा रहा है जहां पर सभी सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही ट्रॉमा सेंटर और ऑप्टिकल फाइबर के लिए भी डेडिकेटेड एरिया है। तो ओवरऑल ये एक्सप्रेसवे काफ़ी शानदार होने वाला है और सबसे अच्छी बात यह है कि इस एक्सप्रेसवे के ज़्यादातर सेक्शन का काम अब फाइनल स्टेज में है और राजस्थान के सेक्शन में तो इसी वर्ष अगले 2-3 महीने में ही यानी कि सितंबर अक्टूबर में इसका इनॉग्रेशन हो जाएगा, जबकि अगले साल के एंड तक ये पूरा एक्सप्रेसवे कंप्लीट हो जाएगा। तो अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पापा कंस्ट्रक्शन को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए।